अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं हैदराबादी खट्टी दाल। जी हाँ, ये खट्टी दाल जो है एक मेन डिश है जिसे चावल के साथ सर्व किया जाता है। जैसे कि इंडिया में मद्रासियों के यहाँ सांभर, तेलुगुस के यहाँ रसम बनाया जाता है, उसी तरीके से हर मोमिन के घर में खट्टी दाल बनाई जाती है। इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है एक नज़र देख लीजिए। 200 ग्राम तूर दाल या तो फिर तुवर दाल भिगो के रखा है मैंने। 250 ml पानी में मुट्ठी भर के इमली को भिगो के रखा है। पानी का इस्तेमाल होएगा हमें, तेल बघार के लिए इस्तेमाल करेंगे। आधा बंच कोथमीर मैंने लिया है, थोड़े करी पत्ते लिए हैं मैंने, दो हरे मिर्च, एक चाय का चम्मच नमक, एक चाय का चम्मच लाल मिर्च, एक आधा चाय का चम्मच हल्दी, एक चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चाय का चम्मच ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच राई, थोड़े करी पत्ता बघार के लिए, चार लाल सूखे मिर्च और थोड़े लहसुन के कलियां। इन सब को हम बघार के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये दाल उबाल के वक्त हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, खट्टी दाल किस तरीके से बनाना है बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले स्टोव ऑन करके कुकर में 400 ml पानी शामिल करेंगे। इसमें जो भिगो के रखे थे हमने 200 ग्राम तुवर दाल, उसे शामिल कर देंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, आधा चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे। इसे तुवर दाल मज़े की बनती है, दाल फीकी नहीं गलेगी। अब मैं इसको कुकर का ढक्कन लगाकर मैं 6 सीटियां आने के लिए छोड़ दूंगी। कुकर में दाल गलने के लिए छोड़ देंगे और हम बघार की तैयारी करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले स्टोव ऑन कर लेना है। जिस बर्तन में आप बघार डालना चाह रहे हो उस बर्तन को गर्म कर लीजिए। और मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून तेल लिया हुआ है। अगर आप चाहे तो कम भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन खट्टी दाल में थोड़ी तेल ज़्यादा रहेगी तो खट्टी दाल मज़े की बनेगी। तेल गर्म होने के बाद इसमें राई शामिल कीजिए। जैसे राई फटने लगे इसमें लहसुन की कलियां शामिल कीजिए। इसे 30 सेकंड तक तेल में अच्छे से भून लेना है। फिर हम इसमें लाल सूखे मिर्च शामिल करेंगे। फिर हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। इसमें अभी करी पत्ता शामिल करके ढक्कन ढककर स्टोव ऑफ कर दीजिए। खट्टी दाल की बघार तैयार है। 6 सीटियों के बाद कुकर का ढक्कन उतार लेंगे। ये देखिए दाल अच्छे से गल गई है। अगर 6 सीटियों में अगर आपकी दाल नहीं गली तो आप और एक या दो सीटी लगा लीजिए। दाल को इस तरीके से घोट लीजिए या तो फिर वुडन मैशर से घोटिए, मिक्सी में मत डालिए। खट्टी दाल अगर दरदरी रही तो ही उसका जायका अच्छा रहेगा। एक या दो सीटी ज़्यादा दे दीजिए लेकिन मिक्सी में मत डालिए, क्योंकि ये दालचा नहीं है, ये खट्टी दाल है। अब मैं इसमें पूरा 1 लीटर पानी शामिल कर रही हूँ। शामिल कर स्टोव ऑन करेंगे। चार सौ एम एल हमने दाल गलने के लिए पानी इस्तेमाल किया है। 250 एम एल इमली का खट्टा भिगोने के लिए इस्तेमाल किया है और 1 लीटर पानी जो है खट्टी दाल में शामिल किया है। तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी बनेगी दोस्तों। अब हम इसे ढक्कन ढककर एक उबाल आने तक इंतज़ार करेंगे। दाल में उबाल आने तक हम इमली में से रस निकाल लेंगे।
ये देखिए दोस्तों, हाथ से अच्छे से मैश कर लीजिए इमली को और स्ट्रेनर की मदद लेकर इस तरीके से छान लीजिए। इमली का खट्टा बनकर तैयार है। अब हम इसे खट्टी दाल में शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले उबलते हुए दाल में हम करी पत्ता, दो हरे मिर्च, हल्दी, मिर्ची, नमक को शामिल करेंगे। अगर आप चाहे तो खुला ही छोड़कर इसे बॉइलिंग पे छोड़ दीजिए, या तो फिर आप चाहे तो ढक्कन भी ढक सकते हो। मैं इसे ढक्कन ढककर इसके फ्लेवर्स पूरे दाल में आने के लिए 5 मिनट तक इसे मैं छोड़ दूंगी। 5 मिनट अच्छे से उबलने के बाद अब इसमें इमली का खट्टा शामिल कर दीजिए। अब इसे 8 से 10 मिनट तक इमली का खट्टे की कच्ची बो जाने तक अच्छे से उबाल लीजिए। अगर आप चाहे तो इस वक्त इसमें कटा हुआ धनिया शामिल कर सकते हो। मैं गार्निश के वक्त इस्तेमाल करूँगी। अब हम स्टोव ऑफ करके इस पे ढक्कन ढक देंगे। आइए मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। अभी जो बगार हम डाले थे उसका ढक्कन उतार लीजिए और उबलते हुए दाल को इसमें फौरन पलटा लीजिए। ये प्रोसीजर है। अगर ये ठंडा होने के बाद करेंगे तो खट्टी दाल की मज़ा नहीं आएगी। ये इसी तरीके से करना है, मैं बिगिनर्स के लिए बोल रही हूँ। देखिए खट्टी दाल जो है बनकर तैयार है। आइए मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हैदराबादी खट्टी दाल बनकर तैयार है। अब हम इसमें कटे हुए धनिया पत्ता से गार्निश करेंगे। दोस्तों खट्टी दाल जो है मेन डिश है, इसे आप चावल के साथ सर्व कर सकते हो, और साइड डिश में जो है मटन फ्राई या चिकन फ्राई या तो फिर कोई भी वेजिटेबल फ्राई के साथ इसे सर्व किया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।